जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 22 अगस्त बरोज बुध को होगी। मरकजी रुए तहलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नजर आने का ऐलान किया। लाहौर में जोनल रुए तहलाल कमेटी पंजाब का इजलास मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साकी की जेर सदारत महकमा औकाफ की इमारत में हुआ। पीटीआई और काफ लीग का पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात, अगली लाइन ऑफ एक्शन पर गौर। वजीर आला पंजाब का नाम इमरान खान के पास है। शरीफ बरादरान ने इदारे कमजोर, 56 कंपनीज बनाकर मनपसंद अफसरान भर्ती किए। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ के नापायदार मनसूबों ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। परवेज इलाही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में तरीके इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे पीटीआई और इत्तेहादियों का स्कोर 179 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के 3 हलकों में इलेक्शन मुलतवी, 3 के नतायज रोके गए। पंजाब असेंबली का ऐवान सियासी क्यादत की मखसूस नशस्तों के लिए लाहौर की खवातीन पर नवाजिशात। 66 मखसूस नशस्तों में से 39 का ताल्लुक लाहौर से है। तहरीक इंसाफ की 33 में से 17 खवातीन एमपीएस लाहौर से मुंतखब हुई, जबकि नून लीग के टिकट पर 30 में से 21 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब खवातीन अराकीन का ताल्लुक भी लाहौर से है। पंजाब असेंबली के 17वें नौ मुंतखब अराकीन के इजलास का शेड्यूल तैयार। 15 अगस्त को स्पीकर राणा मोहम्मद इकबाल नौ मुंतखब अराकीन असेंबली से हल्फ लेंगे। 16 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि 19 अगस्त को कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। गजुमता का इलाका चौधरी कॉलोनी बिजली से महरूम। हुकूमत से मंजूरशुदा कॉलोनी 2002 से कायम, मगर आज तक बिजली फराहम ना की जा सकी। इलाका मकीनों का एहतजाज, बिजली दो के नारे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। जश्न आज़ादी में एक रोज बाकी, हर तरफ यौम आज़ादी की खुशियां। गलियों, बाजारों और घरों की छतों पर सब जलाली परचम लहराने लगे। मिली नगमों की गूंज, बच्चे आज़ादी की खुशियों में सबसे आगे। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस की फरोख्त में इजाफा। ऐवान इकबाल में यौम आज़ादी की मुनासबत से शानदार तकरीब। तलबा ने मिली नगमों से लहू गरमाया। मसीही बरादरी वतन की मोहब्बत में सरशार कैथेड्रल चर्च में 14 अगस्त की मुनासबत से तकरीब केक काटा गया। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की शिरकत, पौधा भी लगाया। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, कुर्बानी के जानवर खरीदने का खसूसी प्लान। शहर भर में 7 मवेशी मंडियां लग गई। दूसरे शहरों से कुर्बानी के जानवर पहुंच गए, रौनकें दोबाला। गाहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। ईद कुर्बा की आमद आमद, शहर की आरजी मवेशी मंडियों में नाकिस इंतजामात। सगिया की मवेशी मंडी में इंतजामिया के दावे धरे रह गए। आरजी मवेशी मंडी में बिजली है ना पानी, व्यापारी परेशान। कुर्बानी के जानवर प्यास से हलकान। डिफेंस फेज 9 की मवेशी मंडी में गुल्लू बट नामी बैल की दबंग एंट्री। दिखने में घुसीला लेकिन मासूम बैल के हैं सभी दीवाने। बैल के मालिक का कहना है नाम है गुल्लू बट, वसूल करेंगे मर्जी के दाम।
ईद कुर्बान से कबल अवाम की जेबों पर डाका, सब्जी की कीमतों को आग लग गई। सब्ज मसाला जात 10 रुपए फी किलो महंगे, टमाटर 70 रुपए, अदरक 166 रुपए और बंद गोभी भी 79 रुपए किलो पर फरोख्त। पीआईए के बदतरीन खसारे का मामला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीआईए बेल आउट पैकेज का ऑडिट जारी। पीआईए को 2008 से 2017 के दरमियान तकरीबन 209 अरब का बेल आउट पैकेज दिया गया। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बेल आउट पैकेज 199 अरब जाहिर किया। गुमराहकुन मालूमात फराहम करने पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नैयर हयात को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया गया। लीगी एमएनए के गार्ड्स का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद और अगवा का मामला, अवामी रिक्शा यूनियन का ठोकर चौक पर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मजीद गौरी। बरकी में 5 अफराद के कत्ल की तहकीकात, पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में नाकाम। मुलजिम वारदात के बाद लाहौर में रहे, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करते रहे। पुलिस मुलजिमान तक ना पहुंच सकी। खवातीन को हिरासत में लेकर मुलजिमान को गिरफ्तारी देने पर रजामंद किए जाने का इंकशाफ। आला अफसरान ने वाकये की जिम्मेदारी एसएचओ बरकी पर डाल दी। एसएचओ का पुलिस लाइन तबादला। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जवाद साजिद ने जिया अस्पताल के मेटर्निटी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर सेहत डॉक्टर जवाद साजिद, प्रोफेसर अशरफ जिया समेत अमले ने शिरकत की। ऊंची दुकान, फीका पकवान, फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री सील, गुरुमांगट रोड पर शहर का मारूफ तरीन शादी हॉल सरबमोहर। कॉलेज रोड पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इखलाक अहमद गुड्डू की जानिब से कारकुनान के एजाज में जोहराना। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मियां शहजाद, महर वसीम और इश्तियाक अहमद समेत कारकुनान की शिरकत। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इंतखाबी मार्का, वोट्स की गिनती का अमल। चेयरमैन के लिए अब्दुल कादिर शाह, सैयद अशफाक हुसैन, जावेद सलीम कुरैशी और वसीम नजीर में मुकाबला है। जश्न आजादी पंजाब नेशनल जूनियर स्कॉच चैंपियनशिप उजैर रशीद के नाम, फाइनल में जिशान जेब को शिकस्त दी। निगरान सूबाई वजीर सईदुल्ला बाबर ने इनामात तकसीम किए। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान वेडिंग शो, शो में मिसाली शादी के तमाम लवाजमात। खवातीन की वेडिंग शो में गहरी दिलचस्पी। और रॉयल पाम में ईद उल अज़हा की मुनासबत से सजाया गया समर फेस्टिवल। एक ही छत तले मेकअप, ज्वेलरी और दीदाज़ेब मलबूसात खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। फैशन के साथ म्यूजिक के तड़के ने फेस्टिवल की रौनक दुबाला कर दी।